देखते हैं 21 का 2 नंबर। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों सामने आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको, मैं एक सड़क ले लेता हूँ, यह सड़क की चौड़ाई होगी, ठीक है, और दोनों तरफ 2 समान खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं। यहाँ पे एक गड़ा है और दूसरा यहाँ पे हमने गाड़ दिया, 2 इस तरह से खंभे हैं। और सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से सड़क के एक बिंदु से, इसका नाम ए, यहाँ पे बी बिंदु देते हैं और यह सी देते हैं, यहाँ से इनका जो उन्नयन कोण है ना जी, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनता है। यह आपका 60 डिग्री हो जाएगा और यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर, दोनों खंभे की ऊंचाई समान लेते हैं, दोनों की x मान लेते हैं, ऊंचाई जो है दोनों की x मान लेते हैं, यहाँ पे d ले लेते हैं, यहाँ e ले लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरियाँ, ये बिंदु c है, इसकी दूरियाँ यहाँ से, तो यहाँ अगर मैं x मान लेता हूँ, इसको सॉरी y मान लेता हूँ, x तो मान चुके हैं ना, इसे मैं y मान लेता हूँ कि इस बिंदु से एक खंभे की पाद की दूरी y है। अच्छा, टोटल 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा, समझ गया ना, 80 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए, तो माना माना प्रत्येक प्रत्येक पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, खंभे की ऊंचाई प्रत्येक खंभे की जो ऊंचाई है वह क्या है, एक्स है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई एक्स मीटर है। अच्छा, बिंदु बिंदु सी से प्रत्येक खंभे के पाद की दूरी, प्रत्येक खंभे के पाद की दूरी यानी जड़ की दूरी जो है वह क्या है, वाई तथा 80 माइनस वाई है, ठीक है। अब देखिए, टेन थीटा लगाना होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, यही ना होता है जी। चलिए चलते हैं त्रिभुज ए सी ई में, पहले ए सी ई में इसमें आते हैं, यहाँ लगा सकते हैं टेन 30 बराबर में ए बटा में ए सी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए का वैल्यू है x और ए सी का वैल्यू है y, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर में √3y, यहाँ किसी का भी मान निकला, क्योंकि हमें x y दोनों ज्ञात करना है आपके क्वेश्चन में, इसमें दोनों ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ से x का ही मान ले लेता हूँ, इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी डी में, ध्यान से देखिए, सी बी डी में tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर में क्या होगा, बी डी बटा में बी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, बी डी है x और यह है 80 माइनस वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x का मान रख देते हैं, ठीक है, x का मान √3y है ना, यहाँ रख देते हैं, तो √3 मिला के इसमें गुना कर दें, या फिर पहले रख लेते हैं, √3y बटा में 80 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हुआ है। अच्छा देखो ना, √3 से इस √3 को काट देंगे, एक बार में काट सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो हमने गलती कर दी है, एक जगह गलती कर दी है, ऊपर ही मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने इसमें से इंटू करना था तो √3x हो जाता है ना, √3x बराबर में y होता, तो यही गलती है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, यानी वाई का वैल्यू √3x है, ठीक है, वाई का वैल्यू √3x होगा, देख रहे हो ना, इसमें से ये जाके गुना करेगा तो वाई किसके बराबर होगा, √3x के बराबर होगा, तो यहाँ पे y के जगह हमें √3x रखना होगा, हमने उल्टा रख दिया है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ आंसर आएगा इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया था ऊपर, यहाँ ध्यान रखना, x के जगह पर क्या रखना है भैया, x के जगह पर वही रहेगा, और y के जगह पर हमें रखना है √3x, ठीक है, y के जगह रखना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो देखो √3x, आपने भी नहीं ध्यान दिया होगा, चलिए ध्यान से देखिए, ये जाके इसमें इंटू करेगा और यहाँ नीचे कुछ नहीं देखें, तो x बराबर में हो जाएगा 80√3 माइनस का 3x, ये माइनस का इधर आके प्लस का, 4x बराबर में हो जाएगा 80√3, 4 जाएगा भाग में, तो 80√3 बटा में आपका 4 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 20√3, x का मान क्या आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। अच्छा, समीकरण 1 से y बराबर में क्या है,
वहाँ है √3x, यानी कि y बराबर में √3 गुना में x का वैल्यू 20√2, यानी 60 आ जाएगा, y का मान 60 आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक खम्भे की ऊंचाई x था ना जी, तो x का मान निकल चुका है। प्रत्येक खम्भे की ऊंचाई कितनी है? 20√3 मीटर। और बिंदु सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिंदु सी ना था जी। बिंदु सी से प्रत्येक खंभे की पाद की दूरी ऐसे लिख देते हैं, प्रत्येक नहीं, खंभों के पाद की दूरी कितनी हो जाएगी? एक वाई था तो वाई है तो 60, तथा कितना था? 80 माइनस वाई, ठीक है, एक वाई और दूसरा 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस 20, सॉरी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, एक वाई था और एक 80 माइनस वाई था, एक वाई और एक 80 माइनस वाई था, तो वाई का मान 60 है, ये घटेगा तो कितना जाएगा? 20 मीटर। तो एक हो जाएगा 60 मीटर, एक हो जाएगा 20 मीटर, और खम्भे की ऊंचाई प्रत्येक की 20√3 मीटर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आपको हमें हमारे चार चैनल को तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, ठीक है। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.रविकांत सर.in पर जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।